आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कभी इंग्लिश में नोवेल लिखना है, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए कभी कुछ लिखना है, या फिर इंग्लिश मंथली मैगजीन या वीकली मैगजीन के लिए कुछ इंग्लिश में लिखना है, या आप कोई एडवोकेट हैं और आपको इंग्लिश लिखने में परेशानी होती है, वहाँ तो प्रोफेशन की ऑब्लिगेशन है कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी सीरियस एग्जाम की, डिफेंस के किसी भी विंग में जाना चाहते हैं, तो वहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है जिसको आपको गुजरना होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू लेती है, जो आपकी पर्सनालिटी की स्क्रीनिंग करती है, वो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट माना जाता है हिंदुस्तान में। 5 दिनों तक वो लगातार चलता रहता है। उन बच्चों को पता है कि लिखने और बोलने का कितना महत्व है उनके जीवन में। वैसे तो सभी के जीवन में अंग्रेजी लिखना और बोलना ये उनकी पर्सनालिटी का सबसे मजबूत हिस्सा है, कहीं ये आपका कमजोर तो नहीं है। कैसे इनकी शुरुआत करें, कैसे इनको बेहतर किया जाए, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमने एक इसका बहुत आसान रास्ता निकाला है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि करेंट टॉपिक उठाएंगे, उस पर मैं छोटा छोटा सेंटेंस लिखूंगा 4, और उसी 4 सेंटेंस को कंबाइन करके लार्ज सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे या कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। ये प्रक्रिया कुछ दिनों की प्रक्रिया में ही आपकी अंग्रेजी बहुत ही वर्ल्ड क्लास हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी। जैसे आज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे साइक्लोन अम्फान, साइक्लोन अम्फान स्लैम्ड द ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो चक्रवाती तूफान है जिसका नाम अम्फान है। स्लैम का मतलब जोर से टकराना, जोर से टक्कर मारना। जोर से टकराया है कहाँ, भारत के पूर्वीय तटों पे। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जो आपको आसानी से यूसेज के साथ समझ में आएगा। स्लैम का मतलब जोर से टकराना, स्लैम का मतलब होता है जोर से टकराना। यहाँ स्लैम की जगह पमेल भी लिख सकते हैं, PUMMEL, पमेल मतलब ही जोर से थपेरा मारना। कोस्ट का मतलब तट होता है। हमने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं जिनको आपको एक छोटे से वाक्य में प्रयोग करना है। मैं टारगेट देता हूँ 4 से 5 वर्ड्स के ही सेंटेंस होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। बाद में उसको कंबाइन करके लार्ज सेंटेंस बनाएंगे। जैसे साल्वेज है, नुकसान से उबारना, तो इसमें आपको छोटा सेंटेंस एक बनाना है। कैटास्ट्रॉफी प्रलय, आफ्टरमैथ परिणाम, वाइड स्प्रेड व्यापक, सॉलिडरिटी एकजुटता, स्लैम जो अभी वाक्य में प्रयोग किया गया है जोर से टकराना, मीनवाइल इसी बीच में, अपरूट जड़ से उखाड़ना, डिवास्टेशन तबाही, हैवोक विनाश। ऐसा नहीं कि इसमें वर्ड्स आपको नहीं पता है, पता है, लेकिन हमें यूज करना है, लिखना है, पढ़ना है। उसके लिए तो मैंने छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग किया है इमेज के जरिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए, देखिए इस सेंटेंस में एक इमेज दिया हुआ है। खास करके जब आप कोई भी SSB इंटरव्यू से गुजरते हैं, दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन बच्चों से जो डिफेंस के किसी विंग में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उनके अंदर है कि नहीं, इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गठित करती है जिसके मेंबर सारे ऑफिसर्स होते हैं, और वो 5 दिन तक आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपकी साइकोलॉजी का, आपकी मेंटल एबिलिटीज का टेस्ट होता है रेदर देन फिजिकल एबिलिटीज का इसमें। और 5 दिन में एक दिन ऐसा आता है जिसमें आपको एक कोई रैंडम पिक्चर दिखाया जाता है, और उस रैंडम पिक्चर को देख के आपको कुछ लिखना है, और लिखने के बाद आप सबको जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक साथ बैठा के ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी लिखने के बाद ही बोलने की शुरुआत होती है। तो ये इमेज एक जैसे छोटा सा दिखाया गया है, इसमें कुछ छोटे छोटे देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है जो आप लिख सकते हैं, बस कोशिश करना है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। कहते हैं ना, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत एबिलिटीज होती है, उस एबिलिटीज को जानना दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मतलब
सीक्रेट सिर्फ ब्लैक होल को जानना ही नहीं है, सीक्रेट सिर्फ एटॉमिक एनर्जी को जानना नहीं है, सीक्रेट सिर्फ इन प्लानेटरी डिस्कवरी को जानना ही नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट तो आपके मन के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन जो है, वो जैसे सिग्नल देगा वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत बड़ा माइंड है जो स्लीपिंग होता है, उसको वेकिंग करना है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आप देखिए, इस इमेज को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अम्फान इज एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अभी कितना छोटा सेंटेंस है, अम्फान, अम्फाना गलती से लिखा गया है, अम्फान इज, तो अम्फान जो है सब्जेक्ट हो गया, उसके अनुसार इज लगाया, एन एक्सट्रीमली अत्यंत ही सीवियर मतलब बहुत ही निर्दयी कड़ा साइक्लोनिक यानी चक्रवाती स्टॉर्म यानी तूफान है। छोटा सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। अब हम तूफान की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल जेंडर है इसलिए इट लगाया, इट केम फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, कहाँ से आया है, आया था बे ऑफ बंगाल से आया था, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में इसको यूज किया, पास्ट इंडिफिनिट में ही आगे चला कि भारत के कोस्ट को हिट किया, इट हिट द इंडियाज कोस्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। फोर्थ सेंटेंस लिखा गया है कि भगवान की कृपा से हजारों लोगों को वहाँ से खाली कराया गया, उस जगह को, वो जो संबंधित तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से खाली करवाया गया ताकि जानमाल का नुकसान कम हो। तो रिस्पेक्टिव का मतलब संबंधित, कोस्टल तटीय एरियाज, इवैक्यूएट मतलब खाली कराना। अब इन सब को छोटे छोटे सेंटेंस पहले लिखिए और इनको कंबाइन कर दीजिए। यहाँ पे कंबाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, अगले इमेज में मैं उसको कंबाइन करूँगा। इट वॉज अ कैटेगरी टू स्टॉर्म, ये सेकेंड कैटेगरी का स्टॉर्म था, विद विंड्स मोर देन 100 माइल्स पर आर यानी 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इसका स्पीड था एक घंटा में, और इसके साथ और क्या आया था, मूसलाधार बारिश, हैवी रेन, भारी वर्षा हुई थी, और उस वर्षा की वजह से, उस बारिश को रिलेट कर रहा है दैट, यहाँ से एडजेक्टिव क्लॉज है, उस बारिश वर्षा की वजह से फ्लड आया लो लाइंग एरियाज में, ठीक है। इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस, और मैं एक एक आर्टिकल्स ऐसे करंट टॉपिक पे अपने फेसबुक पे भी लिखता हूँ, वहाँ भी जाएं, वहाँ देखें, समझें, धीरे धीरे विचार करें, आपको मैं गाइड करूँगा, अंग्रेजी लिखना पढ़ना आपका बहुत बेहतर कर देंगे, ये आपकी पर्सनालिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको अच्छा करना है। देखिए यहाँ दूसरा ईमेल देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सा विशाल ह्यूज ट्री इज लाइंग डाउन ऑन द रूट, इट्स ब्लॉकिंग द रूट एंड अ पर्सन इज looking at it helplessly, no one can go through this road now because of the road blocks created by this huge tree. अब यहाँ देखिए छोटे से वाक्य लिखना है, the intensity of super cyclone, ये पूरा non phrase हो गया, was very high, कितना आसान है लिखना, super cyclone की जो तीव्रता थी बहुत ऊंची थी, it uprooted थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, अब इससे संबंधित टर्म्स भी मिल रहे हैं, शब्द भी मिल रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करना है, ज्योग्राफी की बात करना है, साइंस का बात करना है, स्पेस का बात करना है, पॉलिटिक्स का बात करना है, उससे संबंधित टर्म्स भी होने चाहिए, और ये सब अलग अलग कैटेगरी करके एडवांस वर्ड बूस्टर में दिया हुआ है। तो आप एडवांस वर्ड बूस्टर को खूब बढ़िया से पढ़िए कैटेगरी वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए वर्ड्स हमें कहाँ से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है इट अपरूटेड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, अपरूट का मतलब जड़ से उखाड़ देना, हजारों वृक्ष जड़ से उखड़ गए हैं इस साइक्लोन की वजह से, और यह डैमेज किया बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को। अब जब आप अंग्रेजी लिखेंगे ना तो पोल्स POLL लिखें कि POAL लिखें कि POL लिखें, हमें समझ में नहीं आता, तो लिखते समय आपके पास वक्त ज़्यादा होता है अपने करेक्शन करने का, बोलते समय आप नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए लिखना पहले है बोलना बाद में है, जिनको लिखना आएगा वो 100% अच्छा बोलेंगे। और क्या किया इसने, इट डैमेज्ड कम्युनिकेशन टावर्स, लोगों को बातचीत करना मुश्किल हो गया। अब इनको एक साथ मिला के
चार सेंटेंस छोटा छोटा लिखिए, पांचवा बड़ा करिए। ये जो मैंने पैटर्न डिस्कवर आपके लिए किया है इमेज के साथ, ये इंटरेस्टिंग भी है और आपको हंसते खेलते बहुत ही बढ़िया इंग्लिश सिखा देगा। देखिएगा, एक दिन आप इंग्लिश में नोवेल लिखने के लिए सोचेंगे, इंग्लिश में कहानी लिखने के लिए सोचेंगे, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ जाता है लिखते समय, आप बहुत अच्छा सोचने लगेंगे और आपका मन करेगा तो किसी मैगजीन न्यूज़पेपर के लिए भी लिखेंगे। और ख़ास करके डिफेंस के किसी भी विंग में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी ज्वाइन करना है तो ये SSB इंटरव्यू, SSB स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना है। उनके लिए तो ये रामबान है, पैनेसिया है। और अगर आप एडवोकेट हैं, टीचर हैं, CA हैं, CS हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हम रेगुलर वे में हम लोग कनेक्ट होके इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। हाँ, ग्रामर थोड़ा ही अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ श्याम शर्मा क्लासेस का। उसमें पूरा 400 से ज़्यादा वीडियोस कोई नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में 100, 75, 150 वीडियोस में ख़त्म कर देते हैं। 400 क्लासेस, इसका मतलब कितना व्यापक है ये। क्यों व्यापक है? क्योंकि पहले तो ग्रामर आपके 250 क्लासेस, फिर 250 लेक्चर्स जो हैं, 200 से 250 लेक्चर्स, उसमें ग्रामर का प्रैक्टिस, वोकैब्स का प्रैक्टिस, रीडिंग का प्रैक्टिस, राइटिंग का प्रैक्टिस, स्पीकिंग का, आपके कमेंट्स के डिस्कशन, और ये सब सिर्फ 2000 में। आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पूरा चीज़ों को इन्जॉय करिए, वर्ल्ड क्लास इंग्लिश होगी आपकी। और यहाँ पर देखिए, अब इनको हमने जोड़ा है, द इंटेंसिटी ऑफ दिस सुपर साइक्लोनिक वॉज सो हाई दैट इट अपरूटेड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज एंड डैमेज मेनी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड कम्युनिकेशन टावर्स। और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी ऐड किया है, लिविंग द एरियाज इन डार्क एंड फॉलन ट्रीज कॉज्ड रोड ब्लॉक्स इन द अफेक्टेड एरियाज। इसमें कहा गया है कि सुपर साइक्लोनिक की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, जिससे बहुत सारे पेड़ उखड़ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पोल डैमेज हो गए, कम्युनिकेशन टावर डैमेज हो गया, और जो अफेक्टेड एरिया जो है वहाँ पे रोड भी ब्लॉक्स हो गए और लोग अंधेरा में जी रहे हैं, अनकनेक्टेड हैं। इस पर एक छोटा सा आर्टिकल मैंने फेसबुक पे लिखा है, उसको भी देखिएगा। और ये रोज का प्रोसेस हम लोग का होगा। अगला इमेज में देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज है उड़ीसा का है। उड़ीसा में ये लॉन्ग स्टैंडिंग कोकोनट ट्रीज आपको कॉमनली देखने को आपको मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर के बाद कॉमा है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी यहाँ नाउन इन अपोजिशन हो गया, यानी कि नाउन इन अपोजिशन, यानी दो नाउन एक साथ यूज कर रहे हैं कॉमा से सिग्रीगेट करके, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए। उन्होंने अनाउंस किया है एक रिलीफ पैकेज 500 करोड़ के लिए साइक्लोन हिट स्टेट, हिट के बाद स्पेस नहीं है, साइक्लोन स्ट्राइक एन स्टेट या साइक्लोन हीट स्टेट उड़ीसा। और ये 500 रुपया उड़ीसा को दिया गया है रिलीफ पैकेज, और 1000 रुपया का अनाउंस हुआ है वेस्ट बंगाल के लिए। और ये जो साइक्लोन हिट किया है, ये हिट किया है बांग्लादेश को भी और इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को भी हिट किया है। प्रधानमंत्री ही एल्सो डिड एरियल सर्वे, हवाई सर्वेक्षण किए प्रभावित एरियाज का, और वह उड़ीसा पहुँचे, वहाँ पे एक मीटिंग को भी अटेंड किया, और इन सब को फिर जोड़ा गया है, हैविंग डन परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया, हैविंग डन द एरियल सर्वे ऑफ द अफेक्टेड एरियाज। कौन किया है? ही, यानी प्राइम मिनिस्टर। ही ऑल्सो हेल्ड अ रिव्यू मीटिंग एंड अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज ऑफ ₹500 करोड़ फॉर द स्टेट। अब यहाँ पे ये गेम है, कोई भी इमेज हम दें तो आप यही प्रयास करिएगा कि छोटा छोटा चार सेंटेंस बनाना है और पांचवा में चारों को जोड़ के लास्ट सेंटेंस बनाना है, यही प्रक्रिया हम लोग करेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा सा बस, अ लार्ज बस इज टोटली डिस्ट्रक्टेड बाय अ ह्यूज ट्री दैट फेल ऑन टू इट। अब यहाँ पे है, ये कह रहा है कि इट सिम्स अ क्लियर हैबुक, हैबुक का मतलब विनाश, डिवास्टेशन, क्लामिटी, डिस्ट्रक्शन। तो यह कैसा प्रतीत होता है? एक
बिल्कुल क्लियर, क्लियर मतलब apparent, evident, lucid, precise, havoc, विनाश प्रतीत होता है। और ये विनाशकारी साइक्लोन डिजास्ट्रस, अब ये वर्ड जो आ रहे हैं इनको यूज करना है, डिजास्ट्रस साइक्लोन हैज रुइंड द पीपल, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है लोगों को। एन अपरूटेड ट्री हैज डिस्ट्रक्टेड द पब्लिक बस, यहाँ पे एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ एक बस को डिस्ट्रक्ट किया है। डिस्ट्रक्ट और डैमेज में फर्क है, डैमेज जिसका रिपेयर हो सकता है, डिस्ट्रक्ट जो बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया है, इफेस कर दिया गया है। द फॉलन ट्री हैज ब्लॉक द रोड, कितना छोटा छोटा वाक्य है, इट सीम्स अ क्लियर है बुक, दिस डिजास्ट्रस क्लीन हैज रुइन द पीपल। अब इनको मिला के देखिए, यहाँ है द डिजास्ट्रस साइक्लोन क्रिएटेड अ हैबोक, कैसा कैसा, अपरूटेड ट्रीज, ये जो कुलोन का मार्क देते हैं इसके बाद एग्जांपल्स देना है, डिस्ट्रक्टेड बसेस, ब्लॉक्ड रोड्स एंड रुइंड पीपल एंड रबल, रबल और डेब्रिस मटेरियल नाउन है, इस यहाँ गलती से टाइप हुआ है, रबल ऑफ द हाउसेज आर कॉमन साइट्स, साइट्स का स्पेलिंग गलत है, SIGHT वाला होना चाहिए, नज़र अगला बार इनका ध्यान रखा जाएगा, कॉमन साइट, कॉमन साइट जो सब जगह दिखाई देता है, SIGHT ऑफ द स्टेट। इसके बाद है आप देखेंगे, ये हो गया सही है, तो इसी तरह से हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग बने रहेंगे, आपका ग्रामर का भी वीडियो मैं देता रहूँगा और इस तरह के रिटेन और स्पोकन के ऊपर हमें काम करने के लिए छोटे छोटे इमेजेस के साथ छोटे छोटे चार सेंटेंस लिखना है, यही टारगेट है आपका, और पांचवा में उसको जोड़ने का प्रयास करना है। गलतियाँ होगी, परेशानियाँ आएगी, डिफ़िकल्टीज आएगी, लेकिन करते रहना है, दौड़ नहीं सकते तो चलने का प्रयास करना है, रुकना नहीं है, कहते हैं ना कि तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल के ठहर गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, पाँव दिया चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, है ना, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों के उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, तो हम लोग चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।